ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बरसात के दिनों में हमीरपुर शहर में भवनों की छत से गिरने वाले पानी से सड़कें और रास्ते टूट रहे हैं, जिसके चलते ही नगर परिषद ने करीब एक दर्जन रिहायशी मकान मालिकों को नोटिस देकर चेताया है कि अगर जल्द बहुमंजिला भवनों से पानी के लिए डाउन पाइपें नहीं लगाई तो भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। बरसात के दिनों में हमीरपुर शहर में भवनों की छत से गिरने वाले पानी से सड़कें और रास्ते टूट रहे हैं, जिसके चलते ही नगर परिषद ने करीब एक दर्जन रिहायशी मकान मालिकों को नोटिस देकर चेताया है कि अगर जल्द बहुमंजिला भवनों से पानी के लिए डाउन पाइपें नहीं लगाई तो भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। खासकर बरसात के दिनों में तो छतों से गिरने वाले पानी से सड़कें टूट जाती हैं, जिससे मरम्मत का खर्चा बढ़ जाता है। आपको बता दें कि हमीरपुर शहर में कई दर्जनों ऐसे रिहायशी भवन हैं जहां पर छतों से डाउन पाइपें नहीं लगाए जाने से जरा भी बारिश होने पर सारा पानी सड़कों पर गिरता है और इस कारण सड़कें टूट जाती हैं। अगर हमीरपुर बाजार में ही नजर दौड़ाई जाए तो कई जगहों पर इतनी ऊंचाई से पानी गिरने से सड़क टूटी हुई नजर आएगी। इसी समस्या से निपटने के लिए नगर परिषद हमीरपुर ने अब लोगों को नोटिस निकाल कर चेताया है। ईओ हमीरपुर सतीश ठाकुर ने बताया कि भवनों के ऊपर से पानी गिरने वाले लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं और अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों से 2 से 5 हजार तक का जुर्माना वसूला जाएगा। उनके लिए हमने नोटिस वगैरह निकाल दिए हैं और शीघ्र अति शीघ्र अगर नहीं वो हटाते वहाँ से तो हमने शीघ्र कार्रवाई करने वाले हैं, तो उनसे अनुरोध भी कर चुके हैं। अगर उसके बाद अगर नहीं करते तो उनके लिए जो है पेनल्टी का भी प्रावधान किया गया। सर, इसके लिए कितने फाइन कितना रखा गया? फाइन 500 से लेके 2 हजार तक हम करेंगे।